अब क्लोन चेक के जरिए अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। इस जालसाजी का खुलासा तब हुआ जब जालसाज ने 9,86,000 रुपए का एक तीसरा क्लोन चेक लखनऊ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पेमेंट के लिए लगाया। वहीं बड़ी रकम होने के कारण बैंक के अधिकारी ने इस बार ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से संपर्क किया तो पता चला कि उन्होंने ऐसा कोई चेक जारी नहीं किया है। इसके बाद बैंक ने पेमेंट को रोकते हुए इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं चंपत राय ने अयोध्या पुलिस से इसकी शिकायत की। इसके बाद देर शाम अयोध्या कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस धोखाधड़ी की शुरुआत 1 सितंबर को उस समय हुई जब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से एक क्लोन चेक लखनऊ के एक बैंक में लगाया गया। यह चेक 2.5 लाख रुपए का था और छोटा रकम होने के कारण इस चेक का वेरिफिकेशन नहीं हुआ और यह रकम पास हो गई। वहीं इसके 2 दिनों के बाद ही इस तरह लखनऊ के ही उसी बैंक में 3.5 लाख का एक क्लोन चेक लगाया गया और यह चेक भी पास हो गया और इस तरह श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का 6 लाख रुपया जालसाजों ने हड़प लिया। लेकिन 9 सितंबर को जब लखनऊ के SBI ब्रांच ने 9,86,000 रुपए का तीसरा पेमेंट के लिए लगाया गया तब इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ।